नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर नवागत एसएसपी श्लोक कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जनपद भर के पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। पत्रकार बंधुओं को परिचय देते हुए शिष्टाचार बैठक कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया और सभी पत्रकारों ने नवागत एसएसपी को अपना परिचय दिया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मेरी प्राथमिकता सरकार की योजनाओं के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना, वारंटियों को जेल भेजकर जनपद का नाम रोशन करना, महिला अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना, 3-4 दिन में ही महिला अपराध पर सख्त कार्रवाई करना, अवैध काले कारोबार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करना, जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी थाना क्षेत्र में 5 से 6 पॉइंट बनाए जाएंगे जिस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस की 24 घंटे चेकिंग कराई जाएगी। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क के साथ साथ साइबर क्राइम डेस्क का भी आयोजन किया जाएगा। अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं गाजियाबाद में एसपी सिटी रहा, बराबर में नोएडा में जेवर थाने में एसएचओ के पद पर भी रहा, आगरा हमीरपुर नोएडा के बाद मुझे रायबरेली भेजा गया। अब मेरी पोस्टिंग जनपद बुलंदशहर में एसएसपी के पद पर हुई। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं बुलंदशहर जनपद अपनी अहम भूमिका निभाकर खरा उतरूंगा। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।